बिल्कुल। और एक और जो कंसर्निंग चीज़ थी मुसलसल दूसरे मैच में हुई है, ये हमने देखा है हारिस रऊफ नई गेंद के बॉलर नहीं है, चाहे वो वर्ल्ड कप में हम देख लें या फिर किसी भी T20 इंटरनेशनल में देख लें। पिछले मैच में भी इब्तदा के जो उनके इनिशियल 2 ओवर्स थे उसमें उनकी पिटाई हुई, आज इनिशियल 2 ओवर में उन्होंने 30 रन दिए, आखिरी के 2 ओवर में 8 रन दिए। शाहीन की बात करें आप चाहे, नहीं, मैं हारिस रऊफ की हारिस बात बात करें, करूँ, बिल्कुल अगर एक बॉलर नई गेंद का बॉलर नहीं है तो आप बार बार उससे ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो नई गेंद से गेंद कराए। 30 रन दिए आज उन्होंने, परसों भी शायद 28-26 रन 2 ओवर में उन्होंने दिए थे। तो आपके पास अब्बास है, इवन जमान आपके पास है, प्लेइंग 11 में नहीं है लेकिन आपके स्क्वाड में है, तो नई गेंद के जब आपके पास बॉलर्स हैं तो आप हारिस रऊफ के साथ क्यों जा रहे हो? यार, ये मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। यही चीज़ हम लोगों ने वर्ल्ड कप पे भी की थी, मतलब आप प्लेयर को परेशान कर रहे हो, आप खुद बॉलर अपना नुकसान कर रहे हैं ये करके। नहीं, वो खुद क्यों नहीं कह रहे कि यार एग्जैक्टली आई एम ना, नॉट ये एक वही कंफर्टेबल। मैंने गफार भाई से भी जो है ना, वो कुछ टाइम पहले शो करते हुए यही कहा था कि प्लेयर्स को पता, मतलब प्लेयर्स आर हैप्पी विद एनी रोल दैट दे आर गिवन। हारिस रऊफ इज अ बॉलर, या इवन हम शादाब खान जैसे बॉलर की बात करते हैं जब वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा था, कि यार इन लोगों को आप बना के देते हो सिचुएशन वेयर दे कम इन एंड दे गेट विकेट्स। हारिस रॉ विद योर स्ट्राइक बॉलर, बट ही वॉन्ट यू नो, वो प्रेशर क्रिएट करने वाला बॉलर नहीं है, वो आउट करके देगा आपको अपनी तेज बॉलिंग से जब बैट्समैन मारने जा रहा होगा। तो आप उसको नया बॉल दोगे तो ऑब्वियसली नए बॉल में आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए। आप सिर्फ पटकने पे बॉल को, या आप यॉर्कर्स पे, या आप डेथ बॉलिंग के स्टाइल में नए बॉल से बॉलिंग नहीं करा सकते। ऑब्वियसली आपको बिल्कुल अटैक करेंगे, फिर आपकी पेस इतनी है कि इट्स ईजियर फॉर द बैट्समैन, सही है ना? आप पेस से आई डोंट थिंक बैट्समैन को डर लगता है, पेस एट द राइट टाइम इज इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक हारिस रऊफ को आप जब भी नया बॉल देंगे इट विल बी अ मेजर एरर।